He was declared best wicketkeeper in the world, scalping 198 victims, also known as the Crisis Man, Match Winner, and Victory Snatcher. सैयद किरमानी। बचपन में कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिलब पर पड़त निशान, जिसका मतलब होता है लगातार अभ्यास करने से आप किसी काम में परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। ये दोहा समझने में आसान था और जिसने इसे अपनी जिंदगी में उतार लिया उसकी तो मौजा ही मौजा। आज की फास्ट लाइफस्टाइल को भले ही कबीर दास की गहरी बात समझना है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई दिग्गज हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ इन बातों को समझा बल्कि जीवन में भी उतारा और इसे जीवन में उतार कर अमर हो गए। आज हम आपको एक ऐसे दिग्गज विकेटकीपर का वो किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो एक वक्त पर इतना गरीब था कि उसके पास न ग्लव्स थे और वो ईंट लेकर विकेट कीपिंग किया करता था, और अपनी इसी मेहनत से भारत के महान विकेटकीपर में से एक बना और भारत को पहला वर्ल्ड कप भी जिताया। चलिए ज्यादा देर न करते हुए कहानी पर आते हैं। जब भी भारत के सबसे शानदार विकेटकीपर की बात आती है तो हम सबके दिमाग में कुछ चुनिंदा नाम आते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक, सबा करीम, किरण मोरे, फारूक इंजीनियर। लेकिन इन सब के अलावा एक विकेटकीपर और था और ये कहानी उसी की है। नाम सैयद किरमानी, काम विकेटकीपिंग। हाल ही में एक मूवी आई थी 83, जिन्होंने देखी उनके लिए कहानी के किरदार को समझना थोड़ा आसान होगा, और बाकी के लिए हम है ना। तो बात उन दिनों की है जब फारूक इंजीनियर साहब अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे थे, मतलब अंग्रेजी में कॉमेंट्री कर रहे थे। ठीक उसी वक्त कम बाल और ज्यादा टेक्निक वाले एक विकेट कीपर ने टीम इंडिया के लिए ग्लव्स संभाल रखे थे। वैसे विकेट कीपर जो कर रहा था ना, उसे देखते हुए संभाल रहे थे कहना नाइंसाफी होगी, क्योंकि इसने मशहूर भारतीय स्पिन चौकड़ी यानी ई प्रसन्ना से लेकर कपिल की पेस तक के आगे समान धमक के साथ विकेट कीपिंग की। टेस्ट में लगभग 200 शिकार किए, वो भी उस दौर में जब टेक्नोलॉजी और सपोर्ट स्टाफ के नाम पर कुछ नहीं होता था। अभी ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 शिकार पूरे किए हैं, वो भी सिर्फ 26 टेस्ट मैच में। और आज के दौर में क्रिकेट लवर्स जो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो शायद इन आंकड़ों को हल्का माने, लेकिन 29 दिसंबर 1949 को मद्रास में पैदा हुए किरमानी के आंकड़े इसलिए बेहद खास है क्योंकि स्कूल के वक्त में वो प्योर एथलीट थे। वो स्टेट स्कूल लेवल पर 100 मीटर, 200 मीटर और रिले रेस में लगातार भाग लेते थे। इससे वो जो एनर्जी बचती उसमें किरमानी हॉकी खेलते थे, और फिर उसके बाद कहीं जाकर क्रिकेट और फुटबॉल का नंबर आता था। जी हाँ, क्रिकेट इतनी दूर थी कि अगर वक्त बचा तो खेल लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अपने क्रिकेट के शुरुआती दिनों के बारे में उन्होंने बताया था कि वो बचपन में बेंगलोर के जय महल एक्सटेंशन में रहते थे। लोकल टीम कॉर्क की गेंदों से क्रिकेट खेलती थी, और एक बार टीम के कप्तान ने उनसे कहा विकेट के पीछे जाओ और गेंद को रोको। अब वो कॉर्क बॉल को कैसे रोकते, तो वहां पर ईंटें पड़ी होती थी, तब उन्होंने एक ईंट उठाई और गेंद को रोकना शुरू कर दिया। ईंट पर ईंट टूटती रही और वो वहां बिल्डिंग बना रहे ठेकेदार से डांट खाते रहते। शायद उस वक्त ठेकेदार को नहीं पता था कि ईंट तोड़ने वाला ये विकेटकीपर भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला है। यहां से शुरू हुआ किरमानी का सफर स्कूल पहुंचा और वहां भी उन्होंने विकेटकीपिंग शुरू कर दी। इस सफर में सबसे मजे की बात यह है कि किरमानी की विकेटकीपिंग के बारे में किसी ने नहीं बताया, ना उनके पास कोई कोच था, ना कोई अकादमी, ना करियर के शुरू में और ना अंत में। उन्होंने विकेट के पीछे जो भी किया खुद से किया, ना किसी ने उन्हें कुछ सिखाया, ना ही कभी उन्होंने इससे जुड़ी कोई किताब वगैरह पढ़ी। इस बारे में किरमानी खुद बताते हैं, उनके स्कूल में सिर्फ एक पीटी मास्टर थे, उन्हें किसी ने भी विकेट कीपिंग की डिटेल्स नहीं बताई। अगर कोई विकेट कीपिंग शुरू कर देता था तो उसे हर बार करनी पड़ती थी। इन्होंने बिना किसी टेक्निक, बिना इसके बारे में कुछ जानते हुए विकेट कीपिंग में महारत हासिल की। उन्हें किसी ने भी टेक्निक के बारे में नहीं बताया था, और तो और उस वक्त वो नंगे पैर दौड़ते थे क्योंकि उनके पिताजी की हैसियत उन्हें कैनवस के जूते दिलाने की नहीं थी। बाद में जब वो टीम इंडिया के लिए खेलते थे तो उसी वक्त वो बाकी टीम्स के टॉप प्लेयर्स को देखते थे और फिर अपने आप को देखते थे, फिर खुद का आंकलन करते और गलतियां करने के बाद खुद को खुद ही सही करते थे। तो अगली बार अगर आप कभी भी जिंदगी में ये सोचकर खुद को रोक दें कि मेरे पास कोई है ही नहीं जो मुझे ये बता सके कि मुझे क्या और कैसे करना है,
तो एक बार सैयद किरमानी को याद कर लेना, क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप में चाहत है तो रिसोर्स इतने हैं कि आप वो काम सीख ही सकते हो। बहरहाल कहानी पर वापस आते हैं। किरमानी पहली बार साल 1965-66 में चर्चा में आए जब ऑस्ट्रेलिया की स्कूल साइड इंडिया टूर पर गई और इन्हें इंडियन स्कूल टीम में जगह मिली। इस टूर पर खेले गए 3 टेस्ट मैच में किरमानी ने 121, 132 और 75 रन के स्कोर बनाए और फिर उन्हें 1967 में इंग्लैंड टूर पर निकल रही इंडियन स्कूल टीम में चुन लिया गया। ये विदेश दौरे पर जाने वाली पहली इंडियन स्कूल टीम थी। किरमानी ने टूर के पहले ही मैच में सेंचुरी मारी और लौटते ही स्पेशलिस्ट बैटर के रूप में मैसूर रणजी टीम में चुन लिए गए। सालों तक इंडिया टीम के लिए खेलने वाले किरमानी 1983 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के अहम सदस्य थे और ना ही सिर्फ ये अहम सदस्य थे बल्कि इस टूर्नामेंट यानी वर्ल्ड कप में उन्हें बेस्ट विकेट कीपर भी चुना गया था। लेकिन इन अचीवमेंट से पहले ही किरमानी को दुनिया जीतने भर की खुशी मिल गई थी। अब आप सोच रहे होंगे वर्ल्ड कप जीतने से बड़ी क्या खुशी होगी। रुको बताते हैं किस्सा इसी वर्ल्ड कप का है। 1983 वर्ल्ड कप के दौरान वो एक बार इंग्लैंड के एलन नॉट और बॉब टेलर, ऑस्ट्रेलिया के रॉड मार्श जिनका अभी शेन वॉन के साथ निधन हुआ है, और वेस्टइंडीज के जेफ डुजोन के साथ डिनर कर रहे थे। वहां उन्होंने बोला, मैं आप चारों को दुनिया में बेस्ट मानता हूँ। तभी किरमानी की बात बीच में काटते हुए नॉट ने कहा, किरी किसी विकेटकीपर की क्षमता तभी जज की जाती है जब वो स्पिनर्स के आगे कीपिंग करता है, ना कि पीसर्स के आगे। और तुमने तो दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स यानी वो स्पिन चौकड़ी के आगे विकेट कीपिंग की है। साल 1971 में टीम इंडिया से जुड़ने वाले किरमानी ने 1986 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला। हालांकि वो फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए मैचों में 1993-94 सीजन तक एक्टिव थे। आप किरमानी के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो रह गया हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करना।